तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रहा हूँ हुमायूं टॉम्ब और मैं वहाँ जाकर एक्सप्लोर करने वाला हूँ हुमायूं टॉम्ब में क्या क्या है क्या नहीं। तो बने रहे वीडियो में, लेट्स गो। सो दोस्तों, अभी हम लोग हुमायूं टॉम्ब पहुँच गए। अभी अंदर जाके हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है अंदर। सो ये है हुमायूं टॉम्ब का एंट्री गेट। सो अभी जा रहे हैं हम लोग अंदर। सो आप चाहे तो ऑनलाइन पे कर सकते हो या ऑफलाइन भी। सो दोस्तों, टिकट प्राइस है 40। सो यू नो दोस्तों, बॉलीवुड के काफ़ी सारे मूवी सॉन्ग हुमायूं टॉम्ब में पिक्चराइज किया है, हुमायूं टॉम्ब में शूट किया गया है। लाइक कैटरीना कैफ एंड इमरान खान स्टारर द मूवी सॉन्ग छू मंतर इज ऑल्सो यू नो इंटायरली शूट इन हुमायूं टॉम्ब। एंड बजरंगी भाईजान एंड बोलना हल्के हल्के, काफ़ी सारे मूवी के सॉन्ग यहाँ पे शूट हुआ है। जोधा अकबर की मूवी यहाँ पर शूट हुआ है हुमायूं टॉम्ब पे। सो मैं आपको दिखाऊँगा कि दिखता कैसे है हुमायूं टॉम्ब। सो देख सकते हो हुमायूं टॉम्ब का छोटा सा ये झलक, बाहर से आपको इस तरीके से दिखाई देगा। निजामुद्दीन अर्बन रिन्यूअल इनिशिएटिव। उस वक्त का ये शायद, पता नहीं क्या, ये छोटे छोटे बर्तन रखा है। तो भाई चलते हैं यहाँ से। सो देख सकते हो हुमायूं टॉम्ब का ये झलक, काफ़ी खूबसूरत है। तो जब हम शुरुआत में आए थे तो यहाँ पर बहुत सारा पानी हुआ करता था, बट अभी पानी नहीं है यहाँ पर। चलो एक बार बोर्ड पर नज़र डालते हैं कि क्या है यहाँ पर, बोर्ड पे क्या चीज़ लिखा हुआ है। सो यहाँ पर लिखा है बादशाह हुमायूं का जो मकबरा है वो हुमायूं के शोकाग्रस्त विधवा हमीदा बानो बेगम ने बनाया है। यहाँ मकबरा की ऊंचाई 47 मीटर है। यहाँ लाल पत्थर और सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो टॉम्ब है हुमायूं टॉम्ब, वो ताजमहल से भी पहले ये निर्मित किया गया था। तो ऊपर जा रहा हूँ मैं, अभी देख सकते हैं काफी ऊंचा सीढ़ी है। तो पता नहीं ये सारे, इतने सारे यहाँ पर, मुझे लगता है कि ये कब्र है। आप देख सकते हो कितने सारे कब्र बनाए गए हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी है, काफ़ी साल हो चुके हम आए नहीं यहाँ पर। उस वक्त एमसीए करते वक्त काफ़ी सारे दोस्त हम लोग एक साथ आए हुए थे। ऊपर इतनी जोरदार हवा चल रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। मैंने तो सोचा था कि हुमायूं टॉम्ब बंद होगा, क्योंकि काफ़ी जगह हम हिस्टोरिकल प्लेस पे गए थे बट वो बंद पड़ा था। यू नो, जैसे कि इंडिया गेट हुआ, लोटस टेंपल हुआ, जू जू तो हिस्टोरिकल प्लेस तो नहीं है ऐसे, तो लगा कि ये भी शायद बंद होगा, नहीं आऊँगा बोला। तो फिर भी ट्राई करने के लिए आ गए हम लोग।
बाद में देखा कि खुला, अच्छा ही है, आ गया। सो मशीन से सामने से ग्रास काटे जा रहा है। बीच में ये पता नहीं क्या है, सो बैक साइड से जो नज़ारा है वो इस तरीके का दिखता है। ऐसे कुछ खास तो है नहीं, बट ये मुगल एम्पायर है, हमारी इंडियन हिस्टोरिकल की ये शान, यू नो आप कह सकते मकबरा, तो जाहिर सा बात है काफ़ी ऊंचा नाम है हुमायूं टॉम का। सो ऊपर से दिखाई दे रहा है ये नज़ारा, शायद नीचे जाकर भी हम देखने वाले और नज़दीकी से। सो फॉरेनर भी आए होगा यहाँ पर। दो बच्चे के साथ, सो काफ़ी बड़ा है हुमायूं टॉम का ये पूरा एरिया। सो अभी मैं नीचे उतरने वाला हूँ, फिर नीचे जाकर मैं देखूँगा कि क्या क्या है यहाँ पर। तो चलो भाई उस तरफ चलते हैं, अभी क्या है वो। ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है ये हुमायूं टॉम के राइट साइड पर मैंने इसे शूट किया है। ये जो है ये क्या है मुझे पता नहीं, क्योंकि सामने मुझे कोई बोट नहीं दिखाई दे रहा है। देखते अगर बोट अगर मिला तो वो देख के मैं बताऊंगा आपको। सो दूर से मुझे एक बोट दिखाई दे रहा है, साइन बोर्ड, तो चलिए वहाँ पर जाकर देखते, फिर मैं आपको पढ़ कर बताता हूँ कि ये क्या है। सो यहाँ पर लिखा है मकबरे के परिसर का यहाँ शाही प्रवेश द्वार है। सो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है साउथ गेट, जो मकबरे के परिसर का यहाँ शाही प्रवेश द्वार है, शाही प्रवेश द्वार। सो चले आगे और चलते हैं क्या है। सो आई डोंट नो कि ये क्या चीज़ है। देख के तो ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर बहुत सारे कब्रें हैं, बट एग्जैक्टली आई डोंट नो, रिपोर्ट भी मुझे नहीं दिखाई दे रही यहाँ पर कि ये क्या चीज़ है। सो काफ़ी हरा भरा है यहाँ पर, बहुत सारे फ्रूट्स भी लगाए हुए। सो नीम का पेड़ है। सो ये देखकर ऐसा ही लगता है जैसे हमने आगे वीडियो में बताया था, लाल किला के वीडियो में, जैसे कि वो था ना अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई पूरे गार्डन और महल पे डिस्ट्रीब्यूट होता था। देख के तो मुझे यही लग रहा है ये भी वही चीज़ है। सो जूम करके मैंने दिखाया ये आपको। सो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से क्योंकि मुझे बहुत सारी जगह विजिट करना है। सो हुमायूं टॉम तो काफ़ी बड़ा है, तो मैंने पूरी चक्कर तो नहीं लगाए, बस जहाँ जहाँ जो मुझे अच्छा लगा तो वो मैंने आपको दिखा दिया। सो हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।